आगरा का ताजमहल एक बार फिर से विवादों में आ गया है। बीते दिनों एक शख्स द्वारा जलाभिषेक करने के बाद ताजमहल में अब एक महिला द्वारा भगवा झंडा फहरा दिया गया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि झंडा फहराते वक्त मौके पर तैनात CISF ने महिला को दबोच लिया। सामने आए वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक महिला ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पहुंचकर भगवा झंडा फहरा रही, लेकिन इस वीडियो की पुष्टि NBT ऑनलाइन नहीं करता है। वहीं इससे पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एक सदस्य द्वारा ताजमहल की कब्र पर गंगा जल चढ़ाने का वीडियो भी वायरल हुआ था। सावन में ये तीसरी घटना है जब ताजमहल में सुरक्षा की चूक देखने को मिली है। ताजमहल की सुरक्षा पर लगातार इस प्रकार की घटनाओं से सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल झंडा फहराने वाली महिला को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि सावन में तीसरी बार ताजमहल के अंदर सुरक्षा चूक की घटनाएं सामने आई। इससे पहले हिंदू महासभा मथुरा के जिलाध्यक्ष विनेश चौधरी और श्याम ने शनिवार को ताजमहल देखने के लिए टिकट खरीदा था। उसके बाद दोनों पश्चिमी गेट से ताजमहल में प्रवेश कर जाते हैं। दोनों युवक पानी की बोतल में गंगा जल लेकर ताजमहल के अंदर कब्र के पास ही गंगा जल चढ़ाने लगते हैं। इसके बाद वहां तैनात CISF के जवानों ने उन्हें पकड़ लिया। कब्र पर गंगा जल चढ़ाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। वहीं गंगा जल चढ़ाने की घटना से पहले एक महिला कांवड़ लेकर ताजमहल पहुंच गई थी। महिला जल चढ़ाने की जिद पर अड़ी थी। CISF ने महिला को रोक दिया। इसके बाद महिला ने जमकर हंगामा काटा। महिला का दावा था कि भोले बाबा उसके सपने में आए थे, उन्होंने जल चढ़ाने के लिए कहा, इसीलिए जल चढ़ाने आई हूँ। अब एक बार फिर से सुरक्षा में तैनात जवानों को चकमा देकर एक महिला ताजमहल के अंदर प्रवेश कर गई है। इतना ही नहीं, महिला द्वारा गुंबद पर भगवा झंडा भी फहराया गया। इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। सौरभ शर्मा जिलाध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा। हमारे महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मीना राठौर जी, उनके द्वारा जलाभिषेक किया गया तेजो महाले में। वो सोरों से चल के कावड़ लेके आई थी, प्रशासन द्वारा उन्हें रोक लिया गया था और उस कावड़ को प्रशासन के द्वारा राजेश्वर महादेव मंदिर पर चढ़वाया था प्रशासन ने, तो उसी में से कुछ गंगा जल उन्होंने रोक लिया था। उनका संकल्प था, उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सराहनीय कार्य है और तेजो माले का संघर्ष, तेजो माले की लड़ाई हिंदू महासभा लड़ रहा है। हमने बात भी दायर कर रखा है न्यायालय के अंदर, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानने के। उसमें कार्यक्रम उर्स और नबाज और कपाली जैसे कार्यक्रम अगर तेजो माले के अंदर होंगे तो हिंदू महासभा इसी तरीके से शिव तांडव और शिव चालीसा और जलाभिषेक भी होगा। ब्रजेश भदौरिया प्रदेश अध्यक्ष युवा हिंदू महासभा। देखिए, हमारी जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा मीना राठौर हैं, उनको स्वप्न में भोले बाबा आए थे। उसी क्रम में उन्होंने सावन के पवित्र माह में सोरों से पैदल चल के कांवड़ को तेजो महाले पर चढ़ाने का संकल्प लिया था, लेकिन वो जब कांवड़ को भरकर तेजो महाले पर पहुंची तो पुलिस के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। उसी में से उन्होंने गंगा जल बचा लिया था, जिसको आज इन्होंने उस गंगा जल से तेजो महाले को पवित्र किया है और सनातन परंपरा का प्रतीक भगवा ध्वज को लहराकर एक नया मिसाल हिंदुओं के बारे में पेश करी। और लोग इस पर जमकर कमेंट कर रहे हैं। गौरतलब है कि ताजमहल को लेकर ये विवाद नया नहीं है। हिंदू संगठन दावा करते रहे हैं कि ताजमहल से पहले यहाँ शिव मंदिर था, जिसे तेजो महाले नाम से जाना जाता था। दरअसल ताजमहल का तेजो महाले नाम सबसे पहले एक मराठी किताब से आया। किताब में किए गए दावे के बाद BJP की अयोध्या इकाई के नेता रजनीश सिंह ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जिसमें ताजमहल में बंद पड़े 22 कमरों को खोलने की मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं बल्कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, यानी ये याचिका सिर्फ चर्चाओं में आने के लिए दी गई। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।